800 करोड़ कागज बेशक लगा दिया भाई, आदमपुर में तो लगे को नहीं। गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ टूटने के लिए होते हैं हमेशा। ये तो रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। आज एक एक वोटर जो आदमपुर का है वो तैयार है। ये कांग्रेस और बीजेपी ये तो टिकटों की आपस में सेटिंग करते हैं। नमस्कार साथियों, आज पहुंचे हैं आदमपुर हल्के के अंदर। यहाँ से जेजेपी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी से कृष्ण गंगवा को टिकट दी है, तो वो हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं आदमपुर हल्के के बारे में, किस तरह से अपना आगे प्रोसेस करेंगे, किस तरह से चुनाव का प्लान है। नमस्कार सर। राम राम भाई। सबसे पहले तो आपको जेजेपी की तरफ से टिकट मिलने की बधाई हो। आपको भी भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हर पार्टी से इस नेतरों का, जिसने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी है। तो सबसे पहले तो जेजेपी से कब से जुड़े हो? जब से पार्टी जब बनी है, जब से पार्टी के साथ हैं। तो आदमपुर को माने तो एक तरह से कुलदीप बिश्नोई का गढ़ बोला जाता है, कि गढ़ को तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको लेकर कैसे रणनीति बनाई आपने? गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ टूटने के लिए होते हैं हमेशा। ये तो रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। आज एक एक वोटर जो आदमपुर का है वो तैयार है। और आज हमने ऑफिस का जो ओपनिंग की है, आज हज़ारों में आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। तो वो हज़ारों जब हज़ारों हज़ारों में जो वोट डालेंगे तो कभी टूट जाएगा। तो वही बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि आदमपुर से कांग्रेस पार्टी ने डम्मी कैंडिडेट उतार दिए भगवती बिश्नोई को जिताने के लिए, उसके बारे में क्या कहना आपका? ये कांग्रेस और बीजेपी ये तो टिकटों की आपस में सेटिंग करते हैं। इनेलो है, इनेलो की टिकटें भी बीजेपी ही आज बांट रही है। तो ये तो सेटिंग करके बेचारे को धक्का से यहाँ फंसाने का भी पता है। वो डम्मी कैंडिडेट जो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपने आप पता चल जाएगा कि जननायक जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनेगा, जनता वोट डालेगी और पार्टी का साथ देगी। तो आदमपुर में आप काफ़ी दिनों से घूम रहे हो, तो आदमपुर की क्या समस्या जो आपको देखने में नजर आई है? आदमपुर में पिछले काफ़ी समय से भजनलाल जी जब थे, भजनलाल जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने आज पूरे इंडिया में भजनलाल आदमपुर का भजनलाल जी ने जो नाम किया है, आज कुलदीप बिश्नोई जी और उसके बाद भव्य बिश्नोई जी यहाँ से जो विधायक रहे हैं विकास के नाम पे, तो यहाँ कुछ नहीं है। मैं कल बाज़ार की तरफ गया तो बाज़ार में रोडें टूटी पड़ी है, यहाँ किसी प्रकार का सरकारी कोई और सुविधाएं नहीं है। विकास के नाम पे सिर्फ होल्डिंग लगाना जो, और कोई विकास नहीं किए। नहीं भव्य बिश्नोई तो कह रहे हमने आदमपुर के अंदर 800 करोड़ रुपये लगा दिए, उसके बारे में क्या? 800 करोड़ कागज बेशक लगा दिए भाई, आदमपुर में तो लगे को नहीं। आप देख रहे हो यहाँ से जो लोकल हो, आदमपुर में तो 800 करोड़ रुपए लगे नहीं हैं, और लगते 800 करोड़ रुपए में तो चमाचम होता। आज आपने देखा होगा गलियों का है, सड़कों का है, पीने के पानी का है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है आदमपुर में। तो आदमपुर को किस प्लानिंग के तहत यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे आप? आदमपुर में हम जब विकास के नाम पर सभी के साथ लेके साथ चलेंगे, सभी के बीच में रहेंगे। सबसे काम बड़ा काम होता है कि सबके सुख दुख में आना जाना रहना, जहाँ किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसके साथ रहना। कुलदीप जी और भव्य बिश्नोई जी तो विधायक जब इलेक्शन आता है उसी टाइम आते हैं, इलेक्शन के बाद तो फिर कभी, मैंने तो सुना है कि कभी यहाँ ढूंढते रहते हैं कि विधायक जी से मिलने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास भी सभी को दिलाता हूँ कि हम यहीं आपके बीच में रहने वाले, आपके किसान के बेटे हैं, आपके सदा बीच में जब हाजिर मिलेंगे।